गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बी के सिंह। इन दिस क्लास आई विल डिस्क्राइब यू अबाउट रेस्ट पार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपको दो प्रकार का हम बताए थे, फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड क्या बताए इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो थर्ड टाइप है उसको फोटो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का जो फर्स्ट टाइप थर्ड टाइप है उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन विच इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, माने वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की उपस्थिति में होगा तो उसको बोलोगे फोटो डिकम्पोजिशन। तो मैंने डिफिनेशन देख लो, तो एग्जाम्पल इसका फोटो डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन decomposition reaction which carried out by sunlight is known as photo decomposition reaction, photo decomposition reaction। एग्जाम्पल में लिखा जाए सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की उपस्थिति में इसका ब्रेकडाउन होता है, तो जो इसका फोटो डिकम्पोजिशन होगा सिल्वर ब्रोमाइड का, तो ब्रेक करके बन जाएगा, इसका टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, सिल्वर और किसी में बदल जाएगा या ब्रोमीन में टूट जाएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोज बैलेंस जब करोगे तो ब्रोमीन Br के रूप में तो नहीं रहेगा, बताया था कि नॉन मेटल जब तक पीसी का एक सिलिकन मेटल वायर होता है, क्योंकि ट्रिक में याद रखने के लिए उसमें डाल दिए हैं, लेकिन फास्फोरस सिलिकन कार्बन सल्फर जो है ना उसमें अगर पीसीकस में अगर कोई नॉन मेटल नहीं आता है तो उसको क्या रखते हो, उसके नीचे टू लिखना है, तो ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन के नीचे क्या लिखना होगा टू, तब जाकर ब्रोमीन होगा। सिल्वर मेटल है तो अकेले रहेगा, बैलेंस करेंगे ब्रोमीन टू इधर ब्रोमीन वन, इसलिए यहां पर क्या लिखना होगा टू लिखना होगा, अब ब्रोमीन टू हो गया, सिल्वर टू हो गया, इसके लिए यहां भी क्या करना पड़ेगा टू करना होगा। अब इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा आपको, तो ये सनलाइट की उपस्थिति में है इसलिए इसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड का भी डिकम्पोजिशन होता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये भी सनलाइट की उपस्थिति में टूटेगा तो सिल्वर और इसमें क्लोरीन में टूट जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि सनलाइट की उपस्थिति में इस तरह के कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद अब आपको बताएंगे हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, एक को हटाना और अपने उसका पोजीशन पकड़ लेना। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच
ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम, अगर वह एलिमेंट मेटल हो, मेटल से देखेंगे तो माने लेस रिएक्टिव अगर एलिमेंट है जिसका साल्ट बना हुआ है और उससे ज्यादा रिएक्टिव है मेटल, तो वह अगर उस लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, या यह भी हो सकता है कि कोई मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो माने हटने का काम हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए बोलते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन और हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब प्रतिस्थापन, एक को हटा देना, इसीलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं इंग्लिश में उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन पुलर बनाना होगा तो रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोस्टली मेटल आता है इसलिए मेटल लिख सकते हो, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन और हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एसिड्स आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जाम्पल इसे देखो और क्लियर होगा, एग्जाम्पल जैसे जिंक मेटल है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल को अगर डाला जाए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल को अगर डाला जाए तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा क्या, ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक कॉपर को हटा दिया, कॉपर को अपने आकर बैठ गया, देखो सल्फेट पर कौन आ गया, जिंक, तो इसलिए इस रिएक्शन को कौन सी बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको दो तीन रिएक्शन लिख करके अब तब बता दें, आप कहेंगे बहुत आसान है, लेकिन यहां भी एक ट्रिक है जो आपको अगर नहीं जानिएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने में आप फंस सकते हैं कहीं में। जैसे हम एक एग्जांपल हम ये दिए हैं, एक सेकेंड एग्जांपल देते हैं, Ag+NaCl लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कहेंगे Ag इसको हटा दिया तो क्या बनेगा, AgCl और प्लस Na, Fe+MgSO4 सब सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन आएगा ना, कहीं के देखिएगा इस जो सॉल्यूशन को जो डिनोट करना था AQ, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन,
वाटरमैन सोल्यूशन में दूसरे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, एक्यू, ये सब एक्वस सोल्यूशन है। तो MgSO4 तो इस करेगा आप क्या लिख सकते हैं, FeSO4 प्लस Mg एल्यूमिनियम प्लस FeSO4। तो आप लिखेंगे कि हटाएगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम और सल्फेट का कितना होगा SO4, इसकी वैलेंसी 3 इसके 2, यहां 2 लिखेंगे और इसको 3 लिखेंगे और डिस्प्लेस करके बनेगा कौन सी आयरन आ गया, यहां पर कौन सी हो गया आगे आयरन। तो कोई सब का आसान है, आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जान लो अगर यही एग्जाम्पल आया रहता है एग्जाम में, कहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करो, आप लोग लिख कराते कहते कि हम बना दिए एकदम सही हो गया, बना दिया नंबर मिलेगा, और सब क्वेश्चन अगर मैं इसको बैलेंस भी करना है, बैलेंस जैसे मतलब ये यही क्वेश्चन है देखो ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस भी करना है तो अभी तो लिखना पहले सीखो। तो अगर इतना करके आओगे, हमने पूरा डिस्प्लेसमेंट लिख कर आया, अगर सब 1 मार्क्स कंटेन करता होगा तब आओगे तो इसमें आपको कहने सब बनाए हैं, आपको इसमें नंबर मिलेगा कितना 1 मार्क, ये जब बना कर आइएगा तो नंबर मिलेगा 0, इसको बनाइएगा तो नंबर मिलेगा कितना 0, और इसको बनाइएगा तो नंबर मिलेगा 1, तब आपका दिमाग समझेगा कि अब ये क्या हुआ। नहीं आप जैसे बताए थे कि ZnCu को डिस्प्लेस किया तो हम लिखे उसी तरह से Ag तो इसको डिस्प्लेस किया, नहीं तो नंबर तो इसमें मिलना चाहिए, लेकिन कट कैसे गया इसी को हमको समझाना है, इसी को यही जो समझिए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर। डिफिनेशन में क्या लिखे हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है वह अपने से कम रिएक्टिव को हटा सकता है, कम वाले से ज्यादा थोड़ी हट सकता है, अरे दो आदमी लड़ाई हो रहा हो तो ज्यादा मजबूत होगा वह मजबूत वाला ना कमजोर वाला को पटकेगा, ये कमजोर वाला पटक देगा, उल्टा नहीं हो सकता है। वही हाल यहां पर है, यहां सिल्वर सोडियम से कम रिएक्टिव है तो सिल्वर से कैसे हटा देगा, हमने तो हटा दिया इसलिए गलत है। आयरन मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है लेकिन यह रिएक्शन में डिस्प्लेस कर दिया तो गलत है, इसको लिखना चाहिए नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहां कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है, यहां भी कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है, अपने से कम रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव को कैसे हटा सकता है। तब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम कैसे समझ जाए कि कौन यह ज्यादा रिएक्टिव है ये कम रिएक्टिव है, रिएक्शन लिख यहां तो लिखा नहीं हुआ था, कैसे समझेंगे। तो उसी को याद करने के लिए आपको हम बताएंगे कि किस तरह से समझो कि कौन रिएक्शन संभव है कौन नहीं संभव है, उसके लिए एक सीरीज आपको याद करना है और उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। जब रिएक्टिविटी सीरीज आप जान जाएंगे तब अब कोई गलत भी जैसा हम लिखे रहते हैं, अगर आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज पहले से मालूम रहता तो जैसे लिखे तुरंत सर गलती लिख दिए गलती लिख दिए नहीं पर मालूम रहता तब ना। तो इसी रिएक्शन को शुद्ध करने के लिए कि गलत है कि सही है इसको सही करने के लिए आपको जानना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन याद करेंगे, देखो यहां पर लिख देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने। देखो एलिमेंट का सिंबल याद है कि अगर हम लिखते हैं आपको सिंबल पकड़ा जाएगा, ट्रिक भी बता देंगे आसानी से याद हो जाएगा। देखो यह कौन एलिमेंट है, पोटेशियम, यह बड़ा का साइन दे दिए ग्रेटर में ज्यादा रिएक्टिव है, इसे लिखेंगे ना जो भी उधर लेफ्ट साइड में लिखेंगे राइट वाले से रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, SN, टीन, टीन का सिंबल है, पीबी लेड का है,
या हाइड्रोजन। मेटल के सीरीज में नॉन मेटल के घुसा है, ये सील में से हाइड्रोजन को हटाना होता है ना, इसलिए हाइड्रोजन का लिख देंगे, या इसका नंबर पोजीशन यहां है हाइड्रोजन Cu, कॉपर Hg, मरकरी सिल्वर, उसके बाद लिख देंगे क्या सिल्वर Ag, गोल्ड Au और प्लेटिनम Pt, कॉपर Cu, मरकरी Hg, Ag, गोल्ड Au, माने ये Au गोल्ड, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt क्या हो गया प्लेटिनम। तो इतना सीरीज आपको याद रखना है, और चीज ध्यान रखना सीरीज में किसी किसी बुक में देखिएगा यही पर कैल्शियम डाल दिया होगा, कैल्शियम ट्रिक में से बाहर इसलिए बाद में हम लिख कर समझाते हैं, यहाँ कैल्शियम डाल दिया होगा। ज्यादा रिएक्शन में बेरियम आता है, कैल्शियम कभी कभी आता है, अगर आएगा ना तो यहाँ बेरियम यहाँ पर कैल्शियम देखते हैं ना, तो इसकी लगभग क्वालिटी होती है, अगर कैल्शियम आएगा तो बेरियम इसको हटा सकता है इससे द्वारा या नहीं हटेगा, तो किसी किसी बुक में बेरियम को हटा करके कैल्शियम ही डाल दिया है, अंत में आपको हम लिख देते हैं बनाने के बाद इसका पोजिशन यहाँ पर भी रहता है, कैल्शियम भी रहे तो उसी सीरीज में काम करेगा नहीं। तत्काल अब इसको देखो यहाँ पर, बाद में खाली कैल्शियम समझ लेना है, कम आता है बेरियम ज्यादा रिएक्शन में आता है। तो ये इस सीरीज को अगर याद रखेंगे तो सब लेफ्ट वाला अपने से राइट वाला को डिस्प्लेस कर सकता है, राइट वाला से लेफ्ट वाला नहीं डिस्प्लेस होगा, और ऊपर मिला और रिएक्शन जो लिखे थे। अब ए जी सिल्वर कहाँ है बताओ, यहां पर ए जी है, और किसको डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को, यहां है बताइए, सिल्वर से सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, और इतना रिएक्टिव है तो कैसे हट सकता है, तो नहीं हो सकता है। अगर यहीं पर इस केस पर यहां पर एने रहता है, यहां पर एजी रहता तो संभव था है ना, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव हो ना हटा सकता है। उस तरह से एफी और एमजी में मिलाओ, एफी एफी यहां पर है और एमजी यहां है नहीं, तो एफी तो कम रिएक्टिव है तो एमजी को कैसे हटाएगा, इसलिए अगर यहां एमजी रहता है यहां एफी रहता तो हटता नहीं, तो रिएक्शन संभव नहीं है। अब यहां पर देख लो, तो इसी को याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक के अनुसार इसको याद करो, जैसे एक बार बताया था ना पॉजिटिव नेगेटिव में एजीएन कहो वाला है ना, उसी तरह से यहाँ ट्रिक उच्चारण से इसका ट्रिक याद रखो, उंगली पर गिनोगे जो पहले आएगा वही ज्यादा रिएक्टिव होगा नहीं, जैसे देखो बोलते हैं पहले लिख देते हैं तब समझा देते हैं कैसे होगा, के इसको बोलेंगे क ना बा मग अल जन फे नी सन, इसका पूरा लेड नाम, लेड में सीसा लेड, देखो कनाबा मगलजन, कनाबा मगलजन फेनिसन लेड, पूरा नाम याद रखना है, चार पांच बार रखिए अपने दिमाग में बैठ जाएगा तो नहीं भूलिएगा, क ना बा मग अल जन फे नी सन लेड, कनाबा मगलजन फेनिसन लेड, कनाबा मगलजन फेनिसन लेड, इस तरह अगर याद हो जाए आपको तो बोलेंगे क, बोलेंगे क, लेकिन दिमाग में रहेगा क माने कौन चलता है के पोटेशियम, ना बोलेंगे ना, ना है लेकिन ना लिखते कैसे हैं, तो एन ए तो समझ लो एन ए तो सोडियम हो गया, कहेंगे बा लिखेंगे बा तो बा माने क्या होता है बी ए, तो बी ए को देखते समझ जाएंगे कौन चीज हो गया बेरियम हो गया, यही इसका। और ये नाम यहाँ पर याद रहा कनाबा, आप आपसे पूछेंगे निकल ज्यादा रिएक्टिव है कि कोबाल्ट है ना, अब दोनों का सिंबल आना चाहिए दिमाग में, कोबाल्ट का सी और निकल का एन आई, आप पढ़ेंगे क ना बा मग और जम फे नी आगे नी, अब नी आ गया तो नी से पता चल गया नहीं, अब जो पहले आएगा कोबाल्ट चूंकि इसमें नहीं था और ये सब नहीं था हटा दो तो दूसरा एग्जाम्पल सेट कर लो, अब निकल का रिएक्शन लेड से पूछ देते, लेड से ही बताइए तो पढ़ेंगे तो क ना बा मग और जन फे नी, जो पहले आएगा वही ज्यादा रिएक्टिव होगा, पूछेंगे एल्युमिनियम और आयरन में तो पढ़े खाली पढ़ेंगे जो पहले आ जाए एल्युमिनियम आयरन
सिंबल दिमाग में आना चाहिए, एल्यूमिनियम का एल और आयरन का एफी, तो पढ़ेंगे एफी माने फे, एल्यूमिनियम का एल अल, तो क ना बा मग अल, अल आ गया ना, तो अल आ गया तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया, जो पहले आ जाता है वही ज्यादा रिएक्टिव है, वह उसको हटा सकता है कम वाले समय, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, कनाबा मगल फेंशन लेड, उसके बाद हाइड्रोजन और कॉपर, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी तीन को याद रखना है, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी तीन जब याद हो जाएगा तो उसके बाद देखो ए जी आओ पी टी, याद रखें ए जी आओ पी टी, ए जी आओ ए यू पी टी, याद रहे ए जी आओ पी टी, देखो ए जी ए यू पी टी, तो कनापा मगलजन फेंशन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी ए जी आओ पी टी सीरीज याद रहेगा, जब याद रहेगा तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से हो सकता है, अब इसमें कोई आपको टेंशन नहीं, तो फिर अब आगे वाला चीज अगले टॉपिक जो टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट क्लास में शो करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मेरा नंबर 9931978803, थैंक्स।